हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो अब से मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। और एक बात, यदि आप एसटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी मैथ की हो या फिर टीजीटी मैथ की हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी और ये शॉर्ट ट्रिक जो है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 / 2/3% घटाने पर 5,670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइज इसको हम कैसे करेंगे, यदि आप इसको एक्स मानकर करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और फिर आप अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, तो आपको एक्स नहीं मानना है बिल्कुल भी। आप कैसे करोगे इसको देखते हैं क्या ट्रिक है। तो जो हमारा ये परसेंटेज दिया गया है, आपने इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें पता है कि जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 3 6 18 + 2 20, तो 20/3। और परसेंटेज को हटाने के लिए, परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 25 / 100 होता है, तो यहाँ पर क्या फ्रैक्शन बनी, 1/15 बनी, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी आपका प्रतिशत दिया गया है उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आगे क्या करना है, आगे क्वेश्चन में दिया कि यदि किसी संख्या में से उसका इतना घटाने पर, इतने परसेंट घटाने पर इतना आता है। अब यहाँ देखो, मान लो कि जो हमारी संख्या है वो क्या है, 15, इसको हमने क्या मान लिया, 15 यूनिट्स मान लिया जो हमारी संख्या है। 15 यूनिट्स में से हम ऊपर वाला माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, तो 14 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि किसी संख्या में से उसका इतना घटाने पर, यानी कि एक घटाने पर क्या आता है, 5670 आता है, यानी कि 14 यूनिट्स की वैल्यू हमारी ये है। और हमें निकालनी क्या है, संख्या निकालनी, संख्या मतलब हमें 15 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी और 14 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5670 को हम 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 4 = 56 0 14 5 = 70, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 405 आ गई। और हमें निकालने किसकी है, 15 यूनिट्स की, 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 15 × 2 = 60, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपने प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है और इस तरह से आपने सोल्व करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या में उसके 11 / 1/9% जोड़ने पर, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, घटाने की बात हो रही थी, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है। किसी संख्या में से उसके 11 / 1/9% जोड़ने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है, 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहला काम, जो हमारा प्रतिशत दिया गया है उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और ऊपर वाला हम ऐड कर देंगे, तो 99 + 1 क्या हो जाएगा, 100, तो 100/9। अब हम परसेंटेज के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो 1/9 आ गया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनी हमारी, 1/9 आ गया। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि किसी संख्या में, मान लो वो संख्या क्या है, 9 है, उसके 11 / 1/9% जोड़ने पर, यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या करने पर, जोड़ने पर परिणाम कितना आता, 900, यानी कि 9 में यदि हम 1 ऐड कर देते तो क्या बन गया, 10, यानी कि 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 900 है, 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या है, 900 है। और मूल संख्या ज्ञात करनी, मूल संख्या क्या हमारी, मान लो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 9 यूनिट्स, ठीक है, मूल संख्या हमारी 9 यूनिट है और 10 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे दी। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900/10, और निकालनी हमें क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 900/10 और इंटू में 9, ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल और 99 जा क्या होता है, 81, तो 810 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इस ट्रिक से फैमिलियर हो जाओगे तो आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो चलिए गाइस मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतने प्रतिशत बन जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो हमारा प्रतिशत दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। और यदि आप इसकी फ्रैक्शन बनाते हो तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 11/7। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतने प्रतिशत बन जाती है। कहने का मतलब है कि यदि हम 7 में कितना जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, 11 बन जाता है। 7 में 4 जोड़ने से 11 बन जाता है। तो ये जो 64 है, ये क्या हमारी 4 यूनिट की वैल्यू है, क्या है 4 यूनिट की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है 64 है। संख्या ज्ञात करनी है और संख्या क्या हो जाएगी, नीचे वाला क्या है 7। 7 यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, 7 यूनिट हो जाएगी हमारी संख्या। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 64। 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 64 के अपॉन में 4 तो कितनी आ जाएगी 16। और निकालनी क्या हमें 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू में 7, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 112। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, वो आपसे पूछ रखा है। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमारी अगर प्रीवियस वीडियो उठाकर देखोगे उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा सोल्व करवाई हैं। तो देखिए इसको हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, सबसे पहले जो हमारा प्रतिशत दिया गया उसको हम किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25 के बटे में 100, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 हो गई। अब क्वेश्चन को समझो, क्या बोला कि वृत्त की त्रिज्या इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, यानी कि अगर पहले हमारी 4 है, ओरिजिनल क्या है 4, बढ़ाने से क्या बन जाएगी 5। देखो आर यहाँ पर हम क्या लेंगे, एरिया, क्योंकि पूछा क्या है क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। मान लो हमारी स्टार्टिंग में क्या है 4 आर है और बढ़ाने पर क्या बन जाएगी, 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर 4 आर है तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16 पाई। ठीक है, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 16 पाई हो गया। अब यहाँ से अगर आर हमारी 5 है तो एरिया क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 पाई। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, कितनी बढ़ोतरी हुई 16 में 25 में, तो यहाँ पर 9 पाई बढ़ गया। ठीक है, जो 25% बढ़ाने पर यहाँ 9 पाई बढ़ गया, 9 पाई बढ़ा, पहले कितना था 16 पाई। परसेंटेज परिवर्तन पूछा है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 4 = 16, 4 से क्या आ जाएगा 25, और 9 × 9 = 45, 9 × 2 = 18, 8 × 4 = 12, 22/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, और 1/4%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा एक तरीका। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि जब भी इस तरह से मिल जाता है कि 25% बढ़ा दी जाए, इतने प्रतिशत घटा दी जाए, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि x + y + x × y/100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला कि 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 25 + 25 + 25 × 25 / 100 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से 25 + 25 क्या होता है 50, और 25 और 25 की मल्टीप्लाई 625, और इसके लिए हम 2 पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 56.25। तो यहाँ से दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। या तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें कोई एक्स नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप एक्स के चक्कर में पड़ोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और जिसे आप एसटेट के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5, अगर किसी ने 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है। क्वेश्चन को समझो, क्या है कि हमें 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, गुणा किसे करना था, 4/3 से करना था, तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन पूछ रखा है। तो देखिए गाइस, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो अब आप कैसे करोगे इसको, 4/3 को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3/4 को भी आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 3 × 4 = 12 होगा, 4 × 3 = 12 होगा। यहाँ से 4 × 4 = 16 आया, यहाँ से 3 × 3 = 9 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला क्या है कि अगर किसी ने 4/3 के स्थान पर करना था किसे, 4/3 से करना था, कर दिया किसे, 3/4 से कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। तो यहाँ पर कितने की कमी आई, देखो इससे मल्टीप्लाई करना था, कर दिया इससे, तो 16 और 19 में कितने का डिफरेंस आया,
सात का डिफरेंस आया, ठीक है, सात का डिफरेंस आया इस पर 16 पर, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 4 जाए 16 4 25 आ गया, 25 7 175 की अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, तो ये 4 4 16 बच गए, 1 4 3 12 बच गया 3, और 4 3 अपॉन 4, तो ये परसेंट परिवर्तन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना कि आपने इन दोनों का एलसीएम लेके उसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस आया। अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पर हो सकता है कि वो अपॉन में 9 कर दे, हमें 9 नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी ने 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना कर दिया, तो इसके स्थान पर इससे गुना किया है ना, तो इसके कारण कमी आई है, मल्टीप्लाई करनी थी 4/3 से, कर दी 3/4 से, तो पहले 16 आना चाहिए था, आया क्या 9, यानी कि 7 की कमी हुई, तो 7/16 × 100, तो इतने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। तो गाइज सबसे पहले जो हमारा प्रतिशत दिया गया है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देते हैं कन्वर्ट करने के लिए, 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, यानी कि 3/5 हमारी क्या आएगी, फ्रैक्शन आ गई। अब क्वेश्चन को समझो, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, मान लो कि लड़कों की संख्या टोटल कितने हैं 5, टोटल हमारे कितने हैं 5, 5 में से 3 क्या है लड़के, टोटल 5, तो लड़के जो बॉय की संख्या क्या हुई 3, अब 3 अगर लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। 60% लड़के का मतलब है कि अगर टोटल 5 है तो 5 में से 3 क्या होगे, लड़के होगे। अब यहाँ पर 972 लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि 2 लड़कियाँ नहीं है, कितनी है 972, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है, वो 972 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 972 के अपॉन में 2, तो 2 4 जा 8 2 8 जा 16, और बच गया 1 2 6 जा 12, 486, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 486 आ गई। अब यहाँ पर पूछा है क्या कि लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 486, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1458, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पर अगर पूछा जाए, यहाँ पर अगर लड़कों की संख्या गिवन होती कि 50% लड़के, लड़कों की संख्या इतनी, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना है कि 3 यूनिट की वैल्यू होती है हमारी 972, और लड़कियों की संख्या के लिए हम 2 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और गाइस यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखते हो एसटेट के, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, जिससे मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।